पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी हमारे से लड़ने की, वो तो पहले भी नहीं थी। हाँ, चाइना भी डर गया हमारे से। अच्छा, चाइना इकोनॉमी में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जितने भी लोग घूस खाते थे, जो गलत काम करते थे, वो भी लोग डरते हैं अभी करते हुए। करप्शन में भी डरते हैं लोग। स्वच्छता होगी, हर जगह सफाई हो गई है। स्वच्छता अभियान जो चलाया था मोदी जी ने, उससे इतना फायदा हुआ कि अभी भी लोग बहुत स्वस्थ हो गए। धर्म बहुत जरूरी है, कोई धर्म पे नहीं चलेगा तो फिर वो बेकार है। सरकारी नौकरी काम उनके लिए नहीं है जिनके पास काम नहीं है, जो काम करने वाला है उनके लिए बहुत रोजगार है। मैं पैसा लगा के अपोलो हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, तब बंदे को सरकारी नहीं चाहिए, लेकिन जॉब सरकारी चाहिए उसे। क्या माहौल है सर देश का, चुनाव के लिए तैयार है देश? हाँ, बिल्कुल रेडी। आप भी तैयार होंगे? हाँ जी। किस मुद्दे पर वोट देंगे सर आप? 5 केजी राशन पर या राम मंदिर पर या शिक्षा रोजगार पर? नहीं, सभी चीजों पे। भारत की एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया है भारत, सभी चीजों पे। सभी चीजों पे देंगे। कितना नंबर देंगे सर 10 में से मोदी सरकार को? 9 देंगे। 9? ये क्यों काटा सर? एक शिक्षा प्रणाली उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की है। शिक्षा प्रणाली? हाँ जी, हाँ जी। सर, तो हमें 1,850 करोड़ रुपए लाए हैं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने सर। नहीं, वैसे जो इतनी जो शिक्षा प्रणाली हमारी इतनी खराब चल रही थी, उसको चेंज करना था। अच्छा। लेकिन अगर 10 साल में भी चेंज नहीं कर पाए तो कब करेंगे चेंज, कब इम्प्लीमेंट होगा? तो वो एक पॉइंट है जो मेरे को बहुत पीड़ा देता है। और किस पॉइंट के लिए आप 9 नंबर दिए हो सर? बाकी सर अंतर्राष्ट्रीय बहुत अच्छी बनी है। कुछ बता दीजिए। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी हमारे से लड़ने की, वो तो पहले भी नहीं थी। हाँ, चाइना भी डर गया हमारे से। अच्छा, चाइना इकोनॉमी में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 5वें नंबर पे चले गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब 3रे नंबर पे बहुत जल्दी जाएंगे। देश में क्या हुआ सर, उस पर बात कर ले थोड़ा। हाँ हाँ, आप तो पाकिस्तान चीन की बात कर रहे थे, जनता की बात कर रहे थे। उससे माहौल ये हो गया है ना, जितने भी लोग घूस खाते थे, जो गलत काम करते थे, वो भी लोग डरते हैं अभी करते हुए। करप्शन में भी डरते हैं लोग अब नहीं करते। हाँ हाँ, पहले 100 लोग करते थे तो अब 2 लोग करते हैं खाली। ये इतना कम हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ बढ़िया लगता है सर आपको? स्वच्छता होगी, हर जगह सफाई हो गई है। स्वच्छता अभियान तो चलाया था मोदी जी ने, उससे इतना फायदा हुआ कि अभी भी लोग बहुत स्वस्थ हो गया। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो गया। महंगाई थोड़ा नहीं बोल रहे थे, जनता ही बोल रही थी। महंगाई मैं बोलता हूँ, विवाद हो जाएगा। महंगाई तो हमेशा ही बढ़ा, कांग्रेस हमको ट्रोल कर रही है। महंगाई तो खैर बढ़ा है, वो तो हमें लग भी रहा है। आपको भी लग रहा है? पिंच कर रहा है। आप तो कांग्रेस की भी सरकार देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। कैसी थी? महंगाई तो हमेशा बढ़ती रही है। लेकिन कैसी थी कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस सरकार ठीक ठाक, मतलब काम चलाउ थी। मतलब बात करें पिछले 10 साल और ये 10 साल में, तो आप किसको चुनेंगे? नहीं, इसी 10 साल में चुनेंगे। बहुत बढ़िया। 14 से 24 चुनेंगे। हाँ जी, कांग्रेस नहीं बढ़िया कर रहे थे। महंगाई है सर, तो फिर मुद्दा बनाइए, और उसके आप तो नंबर भी कम दे रहे हैं मोदी सरकार। नहीं नहीं, वो महंगाई भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे और कम होगी। हाँ, क्योंकि करप्शन कम होते जा रहा है ना। लेकिन राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि और बढ़ते जा रहा है महंगाई, गरीब तो मरते जा रहा है इस सरकार में। नहीं, सरकार वो भी दे रही है ना, गरीबों का अनाज दे रही है, जो 5 केजी राशन। तो उस पर भी सवाल उठता है कि देश को भिखारी बना दिया है मोदी सरकार ने। नहीं नहीं, वो जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग फैमिली होती है जो बहुत बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, जो रोज एक वक्त की रोटी नहीं खा पाती। तो उसको देखते हुए मोदी जी ने वो इम्प्लीमेंट किया है। वो सही है डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन। एक आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा धर्म की बात करते हैं मोदी सरकार, मंदिर जाते रहते हैं, मस्जिद जाते ही नहीं। धर्म बहुत जरूरी है, धर्म बहुत जरूरी है। कोई धर्म पे नहीं चलेगा तो फिर वो बेकार है। तो क्या सरकार, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि पीएम मोदी को नहीं जाना चाहिए था राम मंदिर? नहीं नहीं, जरूरी जाना चाहिए, जाना चाहिए। बनाया उन्होंने तो वही तो जाएंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट का देश है यार। उन्होंने नहीं बनाया है, ऑर्डर तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन वो इसको इम्प्लीमेंट करवाना, ढंग से बनवाना पूरा हर चीज, ठीक है ना। अयोध्या को पूरा इतना विकसित बना दिया है कि उसका कितना बढ़िया हो गया। मैं पूछूं सर कि आम जनता राम मंदिर के नाम पर वोट करेगी बिहार मोदी सरकार को? करेगी, करेगी, करेगी। रोजगार की समस्या नहीं लगती सर? रोजगार की समस्या है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है काफी, क्योंकि जैसे बाहर की कंपनी, जैसे आपने कहा कि पिछले 10 साल में शिक्षा पर काम कर देना चाहिए था, 10 साल में रोजगार पर काम नहीं करना चाहिए था सरकार को? सर किया है, मिड इन इंडिया जो है वो तो उसी की किया है। मिड इन इंडिया के कारण बहुत रोजगार बढ़ा है। आरोप लगता है कि सरकारी वैकेंसी नहीं आ रही है, एप्पल की कंप्यूटर यहाँ बन रहे हैं, सरकारी वैकेंसी बहुत ही कम होती है। हाँ, ये भी सवाल है भाई, जैसे ही मैं सवाल करता हूँ लोग जवाब देने, इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सब सबको सरकारी नौकरी चाहिए। वही तो कह रहे, सबको सरकारी चाहिए, लड़की वाले आएंगे उन्हें भी सरकारी दामाद चाहिए, सबको सरकारी चाहिए। सरकार कहाँ से लाए सरकारी नौकरी? काम उनके लिए नहीं है जिनके पास काम नहीं है, जो काम करने वाला है उनके लिए बहुत रोजगार है, सरकारी रोजगार नहीं है बस, फिर वही सरकारी। इसी पर तो विपक्ष और मोदी सरकार दोनों खेलते रहते हैं। गवर्नमेंट सारे सरकारी खत्म कर दे रही है, झंझटी सब कुछ उठा के दे रही है ठेकेदारों को। चलो जी, सरकारी खत्म, ना सरकारी रहेगी ना सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन जब बंदा बीमार पड़ेगा तब उसे प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाई देता है, तब बंदे के पास पैसा आ जाता है कि जब मेरे को इलाज कराना है तो मैं अपोलो हॉस्पिटल में जाऊंगा, सफदरजंग में नहीं जाऊंगा, सफदरजंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 10 धक्के खाने पड़ेंगे। मैं पैसा लगा के अपोलो हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, तब बंदे को सरकारी नहीं चाहिए, लेकिन जॉब सरकारी चाहिए उसे।
है ना, इम्प्रूवमेंट सरकारी चाहिए, लेकिन जब खुद की बारी आएगी तो अपोलो हॉस्पिटल भी दिखाई देता है। टीचर सरकारी चाहिए, अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, प्राइवेट में पढ़ाएंगे, बताओ।